जय हिंद साथियों, आज बिहार पुलिस रिजल्ट अपडेट देंगे आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट आने में अब ज्यादा समय नहीं है, लेकिन ये कब आएगा अभी तक कंफर्म डेट कोई ऐसा नहीं आया है। हालांकि एक पेपर का कटिंग बहुत घूम रहा है कि 15 सितंबर को शायद सीएसबीसी जो बोर्ड है वो रिजल्ट देगा, तो ऐसी वो जो भी वो चीज वो सही नोटिस नहीं है। दूसरी चीज की रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट इसी मंथ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कह देना कि कल आएगा परसों आएगा ये गलत होगी। साथियों, आप अपनी तैयारी को जारी रखो और मैं बता रहा हूं कि रिजल्ट कितना से कितना तारीख के बीच में आ जाएगा। आपका रिजल्ट 12 से 24 के बीच में 110% आपका रिजल्ट आ रहा है और ये अनुमानित है, इसके बीच में रिजल्ट आना चाहिए। और जैसे ही रिजल्ट आने वाला रहेगा मैं आप सभी को 2 दिन पहले अपडेट दे दूंगा कि इस दिन आपका रिजल्ट आएगा और 110% उस दिन रिजल्ट आएगा। साथियों, आप कैसे हो? आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की घंटी दबा लेंगे ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो आप सभी के पास जल्दी जाए। साथियों, जो मेरा चैनल था पुराना वाला वो स्ट्राइक हो गया है, कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने मेल पे ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से 2-3 दिनों के लिए मेरा चैनल यूट्यूब द्वारा उसको अभी उस पर स्ट्राइक हो गया था और उसको सस्पेंड किया गया है कुछ घंटों के लिए। और मैं तब तक सोचा कि आप लोगों के बीच एक नया चैनल दूं ताकि किसी प्रकार से आपको कोई परेशानी नहीं हो तैयारी में, और मैं हमेशा चाहता हूं आप लोगों के बीच आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं। तो साथियों, आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि जिन भाई जो भी बहने हमारी टीम संस्था का वीडियो देखती थी, जुड़ना चाहती थी, अचानक बहुत सारे वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, तो घबराए नहीं, ये वीडियो उनके पास जाएगा और तुरंत सब्सक्राइब करेंगे फिर वो हमसे जुड़ेंगे। तो बस ये आप लोगों का प्यार है, आप लोग हमारे इस मनोबल को कभी कम नहीं होने देंगे। यूट्यूब का अपना काम है, मेरा अपना काम है और आपका अपना काम है, अपना सपना पूरा करना है। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कटअप वीडियो भी मैंने 2-3 आपको दिए थे कि एक क्या क्या कटअप रहेगा, और मैं फिर एक कटअप वीडियो दे दूंगा 1 से 2 दिनों के अंदर और आप उस वीडियो को देखेंगे। जो भी कटअप था उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, मैं जो बोल दिया हूँ वो बोल दिया हूँ क्योंकि मैं खुद फेस करता हूँ एग्जाम को, तो पता है। तो साथियों, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कि आपका रिजल्ट हो, आपको आपकी मंजिल मिले और आपका फौजी बनने का सपना पूरा हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।